नमस्कार साथियों, राजस्थान में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और 4,000 भर्तियों की जो है पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। तो क्या कौन सी भर्ती है और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, आपको पूरी अपडेट है दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट और नई वैकेंसी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो कौन सी भर्ती है और उसका क्या नाम है और आपको इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जो पंचायती राज विभाग है उसके अंदर ये कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को पूरा करने के लिए ये कल एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं प्रथम चरण में 4,000 पदों पर होगी भर्ती और समयबद्ध रूप से पूरी हो बजट में घोषणा की गई थी गहलोत सरकार ने। तो कल गहलोत सरकार ने मीटिंग की है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अभी जो है भर्तियों को पूरा करके जो बेरोजगार है बेटे हैं उनको जल्दी ही रोज़गार मिलने वाला है और जल्दी वह गाँव की समस्याओं को पूरा करने में सरकार की मदद करेंगे। और इसी प्रकार जो पंचायत राज विभाग की भर्ती है उसको जल्दी ही मंजूरी आज मिलने वाली है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो कनिष्ठ अभियंता लिपिक 2013 की भर्ती थी उसको चरणबद्ध रूप से करने के रूप में बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही जो प्रथम चरण में है लगभग 4,000 पदों पर है, उसके साथ ही शेष पदे अगले चरण में है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सबसे बड़ी घोषणा की है। तो आप इसके अंदर पूरा न्यूज़पेपर इसको पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए इसके बारे में पूरी और जानकारी डिटेल से लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो को भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको यहाँ पर समय समय पर इसी प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।